वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं यार प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स पार्ट टू। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी बिगिनर्स प्रोजेक्ट के लिए, आप आगे वो दे सकते हो, मैं आई बटन में उसको लिंक दे दूंगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं काउंटर ऐप, बिल्कुल बेसिक तरीके से। ये अब मुझे गालियों मानना है कि क्या बेकार सा यूआई दिख रहा है, बट इसमें वीडियो में फोकस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में, इसलिए मैंने डिज़ाइन में ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, जैसे क्या देखो, हम जब एक्सीड करते हैं 10 से ऊपर तो एक रेड कलर का हमारा ऐसा कुछ शो करेगा, वापस 10 से नीचे जाते तो हमारा कुछ इस तरह से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगर हम नेगेटिव में ट्राई करते हैं तो दिखाएगा कैन काउंटर वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। वापस जब हम प्लस करते हैं इसको तो वैनिश्ड दैट अलर्ट। तो ये सब चीज़ हम कैसे करते हैं, क्या हमारा लॉजिक होता है इन सब चीज़ों के पीछे, वो सब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिल्कुल रियलिटी में दिखाऊंगा गाइस कि कैसे मैं एकदम लाइव तरीके में काम कर रहा हूँ, कोई इसमें एडिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं भी कुछ फंसूंगा बीच में, दिक्कत आएगी जो मैं सॉल्व करूंगा, बिल्कुल स्क्रैच से आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि यार कभी कोई हम फंसते हैं तो कैसे उस चीज़ को सॉल्व किया जाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में आपको। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो, और शुरू होने से पहले गाइस सोर्स कोड वगैरह सब मिल जाएगा, बट इस वीडियो को जरूर देख लेना, सब्सक्राइब लाइक शेयर तो बनता ही है। तो गाइस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं यूज़ करने वाला हूँ न्यूटन स्कूल का ऑनलाइन आईडीई। ये एकदम कोड पेन की तरह ही है, बट इसमें खासियत क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो, इसके अंदर है इंटेल सेंस जस्ट लाइक वीएस कोड, और थीम भी बिल्कुल उसी की तरह है। ये ऐप बहुत ईजी करता है काम, इसलिए मैं आज इस पर कोड करने वाला हूँ। अगर आपको ये यूज़ करना है, कुछ नहीं करना है आपको, न्यूटन स्कूल के लिंक पर जाओ, लॉगिन करो। लॉगिन करते आप कोई ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा, इसमें प्लेग्राउंड में क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एचटीएमएल काम करना है तो मार्कअप प्लेग्राउंड में क्रिएट करके आपका एग्जैक्टली ऐसा स्क्रीन खुल जाएगी। तो बिना किसी देरी के यार आज की इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं हम। इसमें हमारा मेन फोकस रहने वाला है जावास्क्रिप्ट लॉजिक की तरफ। तो गाइस प्लीज़ गाली मत देना अगर यूआई अच्छा ना लगे तो। शुरू करते हैं, सबसे पहले हम अपने डिव के साथ एक मैं सेक्शन बना लेता हूँ। इसमें अगर हम थोड़ा सा, अगर हम पी टेक्स्ट भी डाल लें साथ में, अगर इसमें मैं लगा देता हूँ काउंटर, और साथ ही साथ बिना किसी सेव झंझट के ये दिखाता हुआ रहेगा हमारा रिजल्ट। और यहाँ पे हम में एक चीज़ होगा बटन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए, तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ बटन एचटीएमएल टैग। ये हो गए हमारे बटन टैग, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पहले। ओके, इसके अलावा इसमें मेंशन कर देते हैं हम प्लस का साइन, और यह हम कर देते हैं माइनस का साइन, सॉरी। तो ये हमारे बटन बन चुके हैं, बट इसमें हमें ये क्यों दिख रहा है अलग से कुछ बटन? ओहो ओके, बटन हमने क्लोज नहीं किया, गलती कर दिया हमने। ओके, तो अब थोड़ा सा ठीक है, और हम एक और पी टैग यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे हम अपना काउंटर दिखाएंगे। यहाँ मैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 रख देता हूँ। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा व्यू बनने वाला है, प्लस माइनस काउंटर। थोड़ा सा इसको और अच्छा चलो बनाएंगे बाद में, पहले हम लॉजिक पे ध्यान देते हैं। बेसिकली यार देखो, एज अ बिगिनर आपको फोकस करना है जावास्क्रिप्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आपको अच्छा पे स्केल में एंटर करना है आईटी फील्ड के अंदर। ये होने वाला बेसिक प्रोजेक्ट जो आपके बेसिक लॉजिक्स में है। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो यार हमारा काउंटर जीरो से नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कोई एक लिमिट रख दूँ यार कि 10 से ऊपर जाते मेरा कलर काउंटर अगर रेड हो जाए। तो ऐसे कुछ हम कंडीशंस लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, देखेंगे कैसे काम करते हैं सब चीज़ों में। उससे पहले शुरू करते हैं जेज के साथ, देखते हैं कि हमारा काम कर भी रहा है प्लस काउंटर नहीं। इसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पे एक आईडी दूंगा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट इंक्री। ओके, मेरी स्पेलिंग बहुत ख़राब है गाइस, तो प्लीज़ अवॉइड करना इसको चीज़ को। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, के अंदर आईडी का नाम एड इवेंट लिसनर। यहाँ पे हम भेजने वाले हैं क्लिक एंड फंक्शन। तो ये तो गाइस एक बेसिक सा सिंटैक्स होता है
इवेंट लिसनर का, और इवेंट लिसनर हमारे होते ही क्या हैं, कुछ भी एक्टिविटी आपको शायद क्लिक करवाना है, माउस ओवर कराना है, होवर कराना है, तो वो सब हमारे इवेंट्स के अंदर आता है। तो उस चीज़ को आप ऐसे पास करते हो यार, एड इवेंट लिसनर हमारा एक मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर प्री डिफाइंड, उसके अंदर हम दो चीज़ें पास करते हैं, दो पैरामीटर पास करते हैं, एक आपके एक्टिव इवेंट का नाम, दूसरा फंक्शन। अब आप फंक्शन ऐसे पास कर सकते हो या फिर फंक्शन आप अलग से बना के उसका नाम से पास कर सकते हो। मैं चेक करने वाला हूँ कि यार अलर्ट हमारा काम कर रहा है, मैं एक अलर्ट करके देखूंगा बेसिक सा, तो चला के देखते हैं इसको पहले तो। यस, सो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस प्लस को साइन क्लिक करते ही यहाँ पे वन की जगह हमें पहले टू पास कराना है। अब ये हम कैसे कराएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं पहले, ताकि हम ये गेट कर सके कि भैया वैल्यू क्या है इसके अंदर। तो यहाँ मैं दे देता हूँ काउंटर वैल्यू, और काउंटर वैल्यू में ये आईडी पास कर पाएगा। तो वैल्यू के लिए यार सबसे पहले ना एक हम बना लेते अपना वेरिएबल काउंटर करके, यहाँ पे हम सेम वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो कि हमने यहाँ पे ऐड की है, और यहाँ पर हम टू करके देखते हैं कि काम कर भी रहा नहीं कर रहा। अब मैं इस टू को प्रिंट कराने वाला हूँ इधर, जैसे ही मैं प्लस का साइन यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इससे मैं पॉइंट करूँगा इस आईडी को जहाँ पे हमारा प्रिंट हो रहा है काउंटर वैल्यू, और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ इनर टेक्स्ट। अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं यार, इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल। यहाँ पे बहुत से बिगिनर्स को कन्फ्यूजन होती है कि यार यूज़ क्या करना चाहिए। सिंपल है बाय डेफिनेशन, और बाय अगर मैं आपको बताऊँ जो हमारा वर्ड है, इनर टेक्स्ट का मतलब है सिंपल अगर आपको टेक्स्ट पास करना है, और इनर एचटीएमएल का मतलब है अगर आपको कोई एचटीएमएल पास करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पास करना चाहता हूँ टू, अब मैं अगर आपको चला के दिखाऊँ प्लस, यहाँ पे देखोगे आप टू आ गया क्योंकि मैंने अभी बाय डिफॉल्ट पास किया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ अब एचटीएमएल पास करना चाहता हूँ जस्ट लाइक दिस, अब ये इस चीज़ के लिए गाइस देख सकते हैं आप कि पूरा एचटीएमएल इसके अंदर प्रिंट हो गया है। इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इनर एचटीएमएल। अब अगर मैं यहाँ पे इसको करूँगा तो आप देखोगे सिर्फ हमारा एससीआर जो हमने एक वर्ड लिखा था वो प्रिंट हुआ है। तो ये छोटा बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता था। और अब यूज़ करते हैं हम यहाँ काउंटर को, और अब यूज करते हैं हमारा प्लस। यस, सो ये हमारा वर्क कर रहा है, बट बार बार क्लिक करने में नहीं हो रहा ना। काउंटर का मतलब क्या होता है, जब भी क्लिक करा इसको बढ़ना चाहिए आगे। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सिंपल सा एक हमारा ऑपरेटर होता है जिसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस दैट्स इट। अब यहाँ पे हम प्लस 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 5 6 7 8, यस सो ये तो हमारा कर गया वर्क। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट वन वापस प्रिंट करता हूँ, और अब चेक करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। अब सेम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम अपने डिक्रीमेंट आइकन के साथ। यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ आईडी को, इंक्रीमेंट को डिक्रीमेंट कर देते हैं, और सेम एक बार फंक्शन पूरा कॉपी कर लेते हैं हम ये वाला। अब देखो गाइस, एक चीज़ करने के ना बहुत से तरीके होते हैं। मैं इस काउंटर को ही मैं 5 अलग अलग तरीके से बना सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑल्सो। ये बिगिनर्स लेवल का है, इसमें ये प्रॉपर एक सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा काउंटर ऐप का। इसको थोड़ा एडवांस में अगर मैं लेके जाऊँ तो हम इसको फॉर ईच से भी बना सकते हैं, हम इसको फॉर लूप से भी बना सकते हैं। मतलब मैं चाहूँ तो इन दो बटन्स को एक एरे में डाल के कोई बटन क्लिक हुआ है तो उसके थ्रू मैं कुछ भी कॉल करा सकता हूँ। प्रोजेक्ट हर लेवल में सेम होते हैं, द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हर चीज़ का अलग हो। तो आपको क्या सीखना है यार, अपने टाइम टाइम के साथ अपने प्रोजेक्ट कोड को लेवलअप करना है। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों के सामने है कि हम क्या क्या प्रोजेक्ट बनाएं। अब एक ही प्रोजेक्ट बनाओ, बट ट्राई करो उस कोड को लेवलअप करने का। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे माइनस माइनस, सो दैट्स इट। सॉरी गाइस, ये बाबा इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे आदत है एस विंडो एस दबाने का, सेव करने का, क्योंकि वी एस कोड नहीं ऑटो सेव हो रहा, तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे पड़ जाएगी। तो ये हमारा चल रहा है काउंटर, ये हमारा चल रहा है डिक्रीमेंट। बट यहाँ पे अब एक हमारा इशू आ गया कि काउंटर हमारा माइनस वन पे जा रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता। यहाँ पे हम कुछ लॉजिक यूज करेंगे कि गाइज हमारा काउंटर जो है वो माइनस वन, मतलब ये माइनस नेगेटिव वैल्यू में नहीं जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, जब भी हम अपने डिक्रीमेंट को क्लिक करें यहाँ पे हम पहले चेक लगाएंगे इफ
काउंटर वैल्यू क्या है, मतलब इफ काउंटर वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तभी ये इसके अंदर जाएगा, नहीं तो भैया जी इसको हम कहेंगे निकलो पहली फुर्सत पे। तो ये हमारा बहुत सही से काम कर रहा है, बट यहाँ पे अब एक कैच है गाइस की आपने ब्लॉक तो करा बट आपको यूजर को तो दिखाना है ना कि भैया आप ट्राई कर रहे हो ज़्यादा यू नो चालू होने की, तो उसको कैसे करेंगे हम वो भी देख लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ मैं एक एरर मैसेज पास कराने वाला हूँ। यहाँ पे हम टाइप करते हैं ID इक्वल टू एरर मैसेज, कॉपी करते हैं इसको और चलते हैं एल्स ब्लॉक पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये हमने प्रिंट करा। यहाँ पे इन टेक्स्ट यूज करेंगे हम, ओके यहाँ पे हम करेंगे काउंटर वैल्यू, अब मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ आप कुछ भी कर सकते हो, कांट के कैन नॉट बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, करेक्ट। सो यहाँ ट्राई करते हैं माइनस एंड वाला इस वॉकिंग एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पे थोड़ा सा ना और अच्छा बना देते हैं इसको, यार थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है। यहाँ पे हम स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम इस आईडी को स्मॉल टैग के अंदर पास कर देते हैं ऐसे। अब चेक करते हैं, यस सो ये हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं और कुछ यू नो चुल करनी है यार, थोड़ा हमेशा एक लेवल आगे सोचा करो यार। एक क्लास बनाते हैं हम, क्या बनाएं, डेंजर डॉट DANG स्पेलिंग सही है, कलर हमारा हो गया यहाँ पे रेड, ओके। अब हम यहाँ पे पास करेंगे एरर मैसेज के साथ एक क्लास भी, थोड़ा सा ना हमें हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोच ही करनी चाहिए, तभी एक प्रो डेवलपर आप बन सकोगे। तो ये हमारा नेगेटिव भी वर्क कर रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। अब मैं चाहता हूँ यार जब काउंटर हमारा 10 से ऊपर जाए तब भी यहाँ पर रेड कलर शो करे, एक्सीड, मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपने वैल्यू एक्सीड करी है। उसके लिए हमें इस पूरे को हमें इफ ब्लॉक पर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें काउंटर ब्लॉक नहीं करना है, हमें सिर्फ एरर मैसेज दिखाना। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक अलग से इफ ब्लॉक बनाने वाला हूँ और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ काउंटर इक्वल टू 10 है अगर, तो नॉट इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू का मतलब ये हो जाएगा अगर 10 हुआ तो दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। तो हमें दिखाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहाँ पे हम इसको करते हैं कॉपी, काउंटर वैल्यू कुछ चेंज करते हैं इस तरह से कुछ और ना उसको अलाइनमेंट, भाई अलाइनमेंट तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए, मैं शुरू से बोलता आया हूँ। सबसे मेन हमारा होता है हमारा कोड स्ट्रक्चर, सो यस। बट यहाँ पे गलती हो गई यार कि 10 इक्वल नहीं करना, हमें 10 से ऊपर में दिखाना है। तो ये हमारा तो कर दिया इसने वर्क, बट अगर 10 से नीचे आ गया फिर ये हट नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, एल्स में जाके आप इसी को सेम कॉपी करो और यहाँ पे हम इसको एम्प्टी कर सकते हैं, मतलब रिमूव भी कर सकते हो, मैंने यहाँ एम्प्टी कर दिया। सो ओके क्लास लिस्ट, यहाँ पे तो इसने नहीं करा काम, तो यहाँ पे अगर मैं क्लास नेम पास करूँ के देखूँ, ट्राई करते हैं अलग चीज़ों को, कुछ तो काम करेगा, अब इसने भी नहीं करा तो ये क्यों नहीं कर रहा काम, इसको देख लेते हैं एक बार। ओके यार ये गलती कर दी ना हमने, हम इंक्रीमेंट में चेक कर रहे हैं इफ काउंटर इज ग्रेटर देन 10, अरे बट चेक डाउन तो डिक्रीमेंट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो भैया मैंने भी गलती कर दी। तो इससे एक चीज पता चलती है गलती यार हर किसी से हो सकती है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमारा यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक चेक लगा रखा है, तो यहाँ पे अगर हम एक लेटर चेक लगा दें एल्स इफ कुछ इस तरह से, काउंटर
लेस देन 10 है अगर, तो ये हमारा क्लास नेम ऐसे कुछ दिखा दे। चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। नहीं कर रहा अभी काम। ये कोई नहीं, इसको हटाते हैं सबको। अब हम लगाते हैं अपना रिमूव ही, नॉट रिमूव। तो रिमूव फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं कुछ भी क्लास या कुछ भी मूव करने के लिए। अब इसको ट्राई करते हैं, ये तो खैर करना ही चाहिए काम, नहीं ना हद कर दी अगर कोई काम नहीं करा तो। तीस है ना, मतलब यार हद कर दी। अब क्या दिक्कत होगी इसको, काउंटर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू वन लगा रखा है। अच्छा आहो, तो ये यार इस लूप के अंदर जा रहा है बार बार, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रही है हमें। यहाँ पे ना शायद से एक अलग से इफ कंडीशन लगाना चाहिए। तो देखते हैं क्या दिक्कत आ गई इसको। वहाँ काम कर रहा है क्या भैया? हाँ चलो ये तो पता चल गया, लॉजिक खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक था। ये हमारा हमारा एल्स इफ के चक्कर में ना कुछ दिक्कत आ गई, क्योंकि हमने काउंटर यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू वन का लगा रखा है। तो जब भी हमारा एग्जीक्यूट होगा कोड यहाँ से टॉप डाउन अप्रोच से, तो बार बार वो इसके अंदर जा रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा है। तो कोई नहीं, अलग से इफ लगा देते हैं हम, ख़त्म करते हैं इसको। तो अभी हमारा ये चीज़ सही काम कर रही है। एक चीज़ अभी हमें और देखना है, इसको काउंटर वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर वापस प्लस साइन ही करता है तो यहाँ पे हमें दिखाना चाहिए इसको, ये हटा देना चाहिए ना मैम। तो इसका मतलब है वापस से कुछ एक ऐसा इफ चेक हमें अलग से लगाना पड़ेगा। ग्रेटर देन वन है अगर, तो हमें क्या करना है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेश करते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको एज अ एम्प्टी टेक्स्ट शो। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। बट यहाँ पे यार एक गलती दिख गई मुझे, देखो पर मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने काउंटर जो डिक्रीमेंट है वो हमने इस कंडीशन के अंदर नहीं डाला। अब चेक करते हैं, यस इट इज वर्किंग फाइन। सो ये हमारे छोटा से काउंटर ऐप तुम्हारा तैयार हो गया। ये गाइस बिल्कुल बेसिक ऐप है, मतलब अगर आप इसको यूज करते हो, आप इसको समझते हो लॉजिक, आप स्टेप बाय स्टेप समझो यार कैसे हमारा एक फाइल रन होती है। तो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो, टॉप टू डाउन अप्रोच हमेशा यूज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ मैं दिक्कत में फंस गया था, इधर मैं क्लास रिमूव नहीं कर पा रहा था, आपके सामने मैंने दिखाया यार ठीक है यहाँ से कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब ये बाबा इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा ही नहीं रहा, बिना डिबगर यूज करे मैंने आपको ऐसे बता दिया। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के साथ साथ आती है। तो कुछ कुछ चीज़ हमने लॉजिक यहाँ पर यूज़ करा, मैक्सिमम जीरो सब कुछ यूज़ करके। अब थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो यार सी एस एस भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब वैसे वैसे अब मैं टाइम पास कर रहा हूँ उसके साथ, ताकि आप गाली ना लगाओ, मतलब मारो ना कि भैया क्या बेकार सा यूआई बना रखा है। इसको अगर हम सेंटर में ले आते हैं बस, पूरे एक बार डिफ को यहाँ पे हम ले देते हैं क्लास इनर, और यहाँ पे हम कॉल करते हैं क्लास इनर को। ओके, इसके अंदर एक और डिफ बना देते हैं यार, नहीं तो डिस्प्ले फ्लैक्स देंगे ना तो ये सबको इफेक्ट करेगा और पूरे यूआई की एसएससी हो जाएगी हमारी। कुछ इस तरह से बना देते हैं इसको, और इनर को हम दे देते हैं डिस्प्ले। कुछ भी से सेंटर लेने का सबसे बेस्ट तरीका है यार, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। रट चुका है मुझे ये चीज, कती रट चुकी है चीजें। अब इसके अंदर हम इनर डिफ पॉइंट करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो थोड़ा सा हो गया ठीक ठाक, मतलब
हाँ दिखा दिया आपको एक चीज़ और मैंने, सी एस एस कैसे हम अलाइन सेंटर करते हैं भाई। फॉन्ट साइज लगाना है आपको यार, तो फॉन्ट साइज भी लगा देते हैं, फॉन्ट साइज से लगाना है, H2 यूज़ करते हैं, थोड़ा बोल्ड भी हो जाएगा। ठीक, H2 ज़्यादा हो गया, H4 लगा देते हैं यार। मैं बेसिक यूज़ कर रहा हूँ यार, यू आई नहीं बना रहा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा बेस्ड था लॉजिक के ऊपर। आप चाहो तो इसमें अपने कंसेप्ट यूज करके एक अच्छा यूआई भी डिजाइन कर सकते हो। तो ये हमारा एक बेसिस काउंटर है, हमारा तैयार हो चुका है। मुझे लगता है आपको यार ये थोड़ा एक अच्छा लगा होगा, बेसिक्स हमारा प्रोजेक्ट है बिल्कुल बिगनर्स के लिए। सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आगे आने वाले वीडियोस में एडवांस प्रोजेक्ट के साथ भी आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ गाइज, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, और शेयर अपने दोस्तों साथ कर देना गाइज। बाकी आप किस तरह के प्रोजेक्ट चाहते हो मैं लेकर आऊं कमेंट करके बताओ जल्दी से, मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक्स अलॉट गाइस, मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे। जाने से पहले न्यूटन स्कूल को जरूर चेक कर लेना, वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल योर सॉल्यूशन रिलेटेड टू प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ कोर्सेज जो कि हैं बिगिनर्स, प्रोफेशनल्स एंड स्पेशली फॉर वुमेन्स के लिए। ये सारे कोर्सेज मेंटर्ड हैं अंडर टॉप मेंटर्स जो कि काम करते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों में। और ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, 6 मंथ की ड्यूरेशन है, जिसमें आपको कोडिंग रिलेटेड गाइडेंस तो मिलती ही है, प्लस इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाए उसका भी पूरा आपको गाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ ये जिन कंपनीज में आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दिलाते हैं वो भी यार इंडिया के टॉप IT कंपनीज हैं। मतलब आप ऑलमोस्ट चाहे अज्यूम कर सकते हो 300+ कंपनीज में आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप इनके कोर्सेज ज्वाइन करते हो। तो अब आप कहोगे यार ये फ्री कैसे हैं, ये जो प्रोग्राम फॉलो करते हैं इसका है 0 फी टिल प्लेसमेंट अंटिल यू गेट एटलीस्ट 5 लाख पैकेज पर एनम। मतलब यार ऐसी कोई चीज़ मैंने तो कभी नहीं देखी जिसमें आपको 6 महीने तक एक रुपया भी पे नहीं करना है, तब तक आपके हाथ में जॉब कम से कम 5 लाख सैलरी जितनी ना आ जाए। तो और जानने के लिए गाइस मैंने लिंक बायो में दे रखा है, जल्दी जाके चेक करो।